हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एस एस सी अ मास एम इज परफॉर्मिंग लीनियर देन करेक्ट ग्राफ ग्राफर एक्जिलेशन एंड करस्पॉन्डिंग लीनियरिटी वी इज और ये चार चार तो सॉल्यूशन पहले हमें ए स्क्वायर में और वी स्क्वायर में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा उस रिलेशन से ही ग्राफ मालूम पड़ेगा कौन सा ग्राफ करेक्ट है तो जनरल जिनलेशन ऑफ ए सचन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एन डिसमेंट एन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू तो टी तो वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी एंड वेलोसिटी uh, जो निकल के आती है वी वो ओमेगा अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी तो वी इज टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये वेलोसिटी की क्वेश्चन है ऐसे ही अगेन इसको अगेन वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी तो एक्जेशन निकले आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी +5 अब हमें v और a में रिलेशन बनाना है ठीक तो देखो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या v अपॉन a ओमेगा इस a ओमेगा को इसके नीचे ले आइए और इसे ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिए cos ओमेगा t प्लस 5 इक्वेशन 1 डाल लीजिए ऐसे ही यहां से इस ओमेगा स्क्वायर a को नीचे ले आइए माइनस साइन भी ले आइए नीचे तो ए अपॉन माइनस का ओमेगा ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस इक्वेशन नंबर टू अब इसमें इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर तो अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर कर रहे हैं तो वी स्क्वेयर ओवर ए स्क्यर ओमेगा स्क्वेयर प्लस ए स्क्र अपॉन ओमेगा फोर ए स्क्वेयर इक्वल टू कॉस स्क्र ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव अब देखो इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी साइन स्का थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा की वैल्यू वन इसे ले सकते हैं वी स्क्वेयर और यहां से एलसीय ले लो ओमेगा फोर ए स्क्वायर तो वी स्क्वायर एलसीएम ले एलसीएम ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और आएगा यहां प्लस ए इज इक्वल टू ये आएगा वन ये एलसीएम ले लिया भाई ठीक तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ओमेगा फोर ए स्क्वायर आप इसको इधर ले आइए ओमेगा स्क्वेयर वी स्क्केयर इज टू माइनस ए स्क्वेयर और प्लस ओमेगा फोर ए स्क्वेयर नेक्स्ट पेज में करते हैं इसके बाद आप इस ओमेगा स्क्वेयर का पूरे में डिवाइड कर दीजिए वी स्क्वेयर को अकेला कर लीजिए वी इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर और प्लस ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्र देखो ये इक्वेशन बन गई आपकी और इसकी इक्वेशन आप कंपेयरिंग करिए इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन से तो इसे लिखिए आप वाई और एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए तो देखो यहां पर हमें वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस लिखते हैं वाई तो एक्सेस की जगह पे लिखा क्या है यहां पर ग्राफ में ग्राफ में वाई एक्सेस की जगह पे लिखा है वी स्क्वेयर तो हम वाई की कंपेयरिंग करेंगे वी स्क्वेयर से ठीक एक्स एक्सेस की जगह पे क्या लिखा है भाई x की जगह पे लिखा है इसने a तो इसीलिए हम एक्स की कंपेयरिंग ए स्क्वेयर से करेंगे और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया पूरा ये वाई इंटरसेप्ट हो गया इसमें सी वाई इंटरसेप्ट होता है तो देखो इसमें पॉजिटिव आई इंटरसेप्ट है नेगेटिव तो पॉजिटिव आई इंटरसेप्ट है तो कंपेयरिंग करिए अगर हम नहीं तो कंपेयरिंग करने पर पॉजिटिव आई इंटरसेप्ट जो आया आपका सी जो वैल्यू आई वो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव आई इंटरसेप्ट है ठीक एक दूसरा स्लोप की कंपेयरिंग करिए स्लोप ये नेगेटिव आ रहा है एंड स्लोप अगर देखें दैट मीनस टेन थीटा देखें ये माइनस के वन अपॉन ओमेगा स्क्वा तो देखो हियर ओमेगा अगर कैसा होता है कांस्टेंट होता है और इसीलिए टेन थीटा जो है नेगेटिव है और कांस्टेंट भी है क्योंकि तो ओमेगा कांस्टेंट है तो टेन थीटा नेगेटिव भी है और इसीलिए थीटा जो आएगा वो ऑप्टूस एंगल होगा पर टूस एंगल और कांस्टेंट होगा इसीलिए ग्राफ बनाना चाहिए वो हमें ऐसा बनाना चाहिए इसमें ये वाई इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव और इसकी वैल्यू होनी चाहिए जगह पर ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर ये और इसका ये स्लोप हो गया थीटा और देखो ये कॉन्स्टेंट स्टेट लाइन है तो हर जगह पे इसकी जो वैल्यू होगी टीटा की वो कॉन्स्टेंट होगी जिससे ना कॉन्स्टेंट होगा और नेगेटिव है इसीलिए ऐसा इसीलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए वो बी करेक्ट होनी चाहिए बी इज अ करेक्ट चॉइस कंपेयरिंग करने के बाद ठीक पढ़ते रहिए और खुश रहिए थैंक यू